चलिए भाई, थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज, चैप्टर 9। देखिए क्या कहता है, अ मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड्स दैट द वैल्यू ऑफ मशीन विच कॉस्ट हिम इतने रुपीज। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 15,625 रुपीज। रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? घटना। डेप्रिशिएट एट रेट ऑफ 20%। वैल्यू एट एंड ऑफ 5 ईयर। ठीक, 5 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेप्रिशिएट कम होना, ठीक है, हर साल इसकी वैल्यू 20% कम हो जाती है। एक चीज 100 रुपए की आई है, अगले साल उसकी वैल्यू 20% कम होगी, 80 रुपए की रहेगी। उससे अगले साल फिर 20% कम, किसका? 80 का 20% कम, समझ रहे हो ना? तो 16 और कम कर दो उसमें से 80 का 20%, तो ऐसे ऐसे 20-20% कम होके 5 साल के एंड में, 5वें साल के एंड में, यानी 5 साल बाद की बात करें हम, कितनी वैल्यू रह जाएगी? देखो, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद। फॉर्मूला देखिए, प्रिंसिपल 1 - rate by 100 टाइम, ये होता है डेप्रिशिएट का, ठीक है, 20-20% अगर कम होती रहे। कंपाउंड इंटरेस्ट में यहां पे क्या आता है बीच में? प्लस आता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। काम तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग के, मतलब नया प्रिंसिपल बनता है हर टाइम। यहां पे भी क्या है, नया ही प्रिंसिपल बन रहा है, बस वैल्यू कम होती जा रही है। एक साल बाद प्रिंसिपल 100 रुपए की चीज का 80 रुपए रह गया था ना 20% कम होने के बाद, अब 80 पे लगेगा। तो इसी तरह से बीच में माइनस आ जाएगा, बस कैंसिल होते रहेंगे। तो एक साल बाद इसकी वैल्यू देखना कितनी हो जाएगी, 15,625 1 - 20/100 की पावर 1, ये 20 - 25 = 15,625 4/5 की पावर 1। सेकंड, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद, 15,625 4/5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर, 15,625 4/5 का क्यूब, एंड यूं ही चलता जाएगा, समझ रहे? ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मशीन अगर मैं देखता हूं, ये 15,625 4/5, 15,625 4/5 का स्क्वायर, ये वैल्यूज हैं इतने इतने ईयर बाद मशीन की, डैश 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 डैश, आर इन जी पी, आर इन जी पी किसमें है ये? क्या जीपी नहीं बना रही? कॉमन रेशो कितना है?
कितना है, डिवाइड करके देखो, ए टू डिवाइड बाई ए वन, 15 से 4/5। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट एट एंड ऑफ 5 ईयर। पहली टर्म क्या है मेरी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो 5वीं होगी वो 5 साल बाद की होगी, यानी ए 5 निकालना है मुझे, ए आर की पावर 4। ठीक है, ए आर की पावर 4, ये मेरे को 5th टर्म निकालनी है। कैसे निकलेगी देखो, ए कितना है, ए तो ये है मेरा, आर कितना है ना, ए में ये भी तो है ना, 4/5 भी तो आ रहा है, इनटू आर कितना है, 4/5 का पावर 4। ए तो ये पूरा है फर्स्ट टर्म, तो इसको सोल्व करेंगे, 15 625, 4/5, 4/5, 4/5, 4/5 और 4/5। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 की पावर 4, 5 5 25, 5 5 25, 6 25, 6 25, 5 3 1 2 5, और 3 1 2 5, 5 15 625। ठीक है, ये 5 की पावर 6 होती है, इसलिए कर दिया, 5 की पावर 6 इतना होता है, और 5 की पावर 5 नीचे है, तो 1 ही 5 बचेगा, 4 चौक 16, 64, ये आ जाएगा 64 × 5 × 16, 64, 80, 0, 2, 3, 48 × 3, 51, ये मिलना चाहिए, चेक करो, 5120। देखिए ये है या नहीं है, चले आगे, लास्ट मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन, रब कर दूं भाई, हो गया। नेक्स्ट है देखो भाई, 150 वर्कर आर एंगेज टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन डे, 150 वर्कर किसी काम को खत्म करते हैं कुछ दिन में, 4 वर्कर ड्रॉप्ड आउट सेकेंड डे, दूसरे दिन 4 वर्कर निकाल दिए गए, 4 मोर वर्कर ड्रॉप्ड आउट थर्ड डे, तीसरे दिन 4 और निकाल दिए गए, तो डेली के 4 4 वर्कर निकालते गए, तो काम को पूरा होने में 8 दिन ज़्यादा लगे, इट टुक 8 more days टू फिनिश द वर्क, 8 दिन और ज़्यादा लगे, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड, बताइए कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेट, हाँ बिल्कुल था, 10th क्लास का क्वेश्चन है, लेट टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश वर्क इज इक्वल्स टू एक्स, या 150 अगर लगे तो कितने दिन में खत्म हो जाए,
टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश वर्क बाय 150 वर्कर, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, लिख दो, कन्फ्यूजन नहीं होगी, वर्कर एक्स, एक्स डेज मान लिए मैंने, जब 150 वर्कर काम करेंगे तब कितने दिन लगेंगे, एक्स, ठीक, सुनिए ध्यान से, वर्क ऑफ 150 वर्कर फॉर वन डे, एक दिन का 150 आदमियों का काम कितना होगा, एक्स बाय 150 कितना होगा, ठीक है ना, ये देखो आप एक काम को, ठीक है, 10 दिन में किया जाता है, एक काम को 10 दिन में किया जाता है, तो आप मुझे बताइए एक दिन में उसका कितना हिस्सा किया जाएगा, मतलब ये लगा लो एक काम है, कोई एक वर्क, एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10, यहां 150 वर्कर है, उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक्स बाय 150 आएगा शायद, एक्स बाय 150, ठीक है, समझ आ रहा है, एक्स दिन में किया ना, तो एक दिन में कितना करेंगे, रुको यार क्या कर दिया मैंने, डेढ़ सौ वर्कर का, हाँ तो 1/x ही हो गया ना वो, ये देखो ना 150 वर्कर ने काम कितने दिन में किया, x दिन में किया, एक दिन का काम कितना होगा, 1/x होगा ना भाई, 150 वर्कर एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा करेंगे यार, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, एक काम है उसको 10 दिन में किया जाता है तो एक दिन में उसका 10वां हिस्सा होगा, अब 150 वर्कर है उसी काम को x दिन में करते हैं तो 150 वर्कर एक दिन में उस काम का कितना पार्ट करेंगे, उसका 1/x पार्ट करेंगे ना, यही आएगा 1/x पार्ट, अब सुनो ये 150 वर्कर का एक दिन का काम है, एक वर्कर का एक दिन का काम कितना होगा, वर्क ऑफ वन वर्कर फॉर वन डे, एक दिन का एक वर्कर का काम 1/150 भाई, ये 150 वर्कर का एक दिन का काम था, 150 वर्कर का, एक वर्कर के लिए 150 से डिवाइड कर दो बहुत कम हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा ना, ये एक वर्कर का काम आ गया एक दिन का, समझ आ रहे हैं, अब ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं, एक वर्कर का एक दिन का काम, ठीक, पहले दिन कितने वर्कर लगे, वर्क ऑफ 150 वर्कर फॉर वन डे, एक ही दिन काम किया उन्होंने, ठीक है, आ रही है ना समझ में, यानी फर्स्ट डे, तो 150 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 बाय 150x वही 1/x आ जाएगा,
डेढ़ सौ वर्कर का एक दिन का काम, पहले दिन फर्स्ट डे डेढ़ सौ वर्कर ने काम किया, ये एक वर्कर का एक दिन का काम है, डेढ़ सौ से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेढ़ सौ वर्कर का एक दिन का काम। वर्क ऑफ 146 वर्कर फॉर सेकेंड डे, सेकेंड डे चार वर्कर निकल गए, हैं? कौन से नीचे से भी आ सकती है? डेढ़ सौ, ये देखो कोई बात नहीं, वर्क ऑफ 146 वर्कर फॉर सेकेंड डे, तो इसको 146 से मल्टीप्लाई कर दो, 146 डिवाइड बाय 150x, ठीक है? कोई डाउट यहां तक? 3rd, वर्क ऑफ, अगले दिन फिर कितने निकाल दिए? 142 वर्कर फॉर 3rd डे, 142 डिवाइड बाय 150x, ठीक, और एक और कर दो, वर्क ऑफ 138, चार और निकाल दिए, अरे चार चार ही निकाले हैं, दिन आठ लगे हैं, आठ ज्यादा दिन लगे हैं, 4th डे 138 डिवाइड बाय एंड सो ऑन, इसी तरह से चलते रहेंगे। तो अगर ये सारे पार्ट्स मिलाए जाएं अगर ये सभी पार्ट्स को हम ज्वाइन करें, देखना, नाउ पहले दिन का काम प्लस दूसरे दिन का काम प्लस तीसरे दिन का काम डैश 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 करते जाओ, कितने दिन लगे? आठ ज्यादा, होना था एक्स डे में, हुआ कितने दिन में? अप टू एक्स प्लस 8 टर्म्स तक गए, तो कितना हो जाएगा? पूरा एक काम हो जाएगा। काम को तो ये तो सारे पार्ट्स हैं, इकट्ठा करेंगे तो एक ही आएगा, समझ रहे हैं? तो देखिएगा यहां से क्या कॉमन ले लो, 1 बाय 150x नीचे से कॉमन आ रहा है, 150, 146, 142 अप टू x प्लस 8 टर्म्स इज इक्वल्स टू 1, क्लियर है? ये क्या बन गया? एपी के सम का फॉर्मूला, ये 150 तो उधर चला जाएगा x, ये एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n, x प्लस 8 n है, n बाय 2 2a, a कितना है? प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है? माइनस 4। ये एपी के सम का फॉर्मूला, और उधर कौन चला गया? 150x यहां आ गया। किसी तरह का डाउट भाई? बोलो, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, x प्लस 8 डिवाइड बाय 2 कितना? ये 2 से तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 तो इस ब्रैकेट से कॉमन ले लीजिए, 150 x प्लस 7 इंटू माइनस 2, क्योंकि यहां से और यहां से 2 कॉमन चला गया,
टू से टू कैंसिल, एक्स प्लस एट 150, माइनस टू एक्स माइनस 14 150x कितना हो जाएगा भैया? वन फिफ्टी माइनस 14 136, टू एक्स 150x, एक्स से मल्टीप्लाई 130x माइनस 2x स्क्वायर, 8 से करो कितना आएगा? 1088, 16x इज इक्वल्स टू 150x। इधर उधर ले जाओ सारा कुछ, 2x स्क्वायर, इसमें से 16 गया, कितना रह गया? तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 120x प्लस का 150x और ये 1088। तो ये इसका सीन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 30x, 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 15x, फैक्टर बताओ, फैक्टर प्लस माइनस के बनेंगे, कितना होगा? 2 ये तो आप एक काम करो, नहीं यहाँ पे मैं पैतीस 32 और 17 की मल्टीप्लाई देखना ना, हाँ 32 और 17 की, सेवनटीन 32 और 17 कितना हुआ? ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 17x माइनस 54400। तो ये x प्लस 32 माइनस 17, एक्स प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 32 कॉमन, x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, माइनस का 32 और x इज इक्वल्स टू 17। अब 32 तो हो नहीं सकता, माइनस का 32 तो क्या है, नॉट पॉसिबल, ये तो हो नहीं पाएगा। तो x आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, 17, x 17 आ गया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे हैं? x तो तब था ना जब 150 के 150 वर्कर काम करें, x तो तब था जब 150 वर्कर काम करते तो मेरे 17 दिन लगते, लेकिन चार चार वर्कर निकाल दिए गए डेली, तो कितने लगेंगे? टोटल नंबर ऑफ डेज 17 प्लस ये 8 ज्यादा दिन लगे, कितना हो जाएगा ये 25 डेज हो गया। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है भाई, यहां पर मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है, लेकिन अभी आपका चैप्टर खत्म नहीं होता है, इनफाइनाइट सीरीज अब पढ़ेंगे हम, देखिएगा जीपी की इनफाइनाइट सीरीज। देखिए बच्चों, अब निकाल लीजिए पेज लास्ट में, सप्लीमेंट एक्सरसाइज
पेज नंबर कितना है? 475। इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम सप्लीमेंट एक्सरसाइज है पेज 475 पेज पे। टॉपिक है मेरा इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम। क्या होती है इनफाइनाइट जीपी और उसका सम कैसे निकाला जाता है, सोचिए। आपके पास कोई चीज वंस, ये एक जीपी है, वन या ए ए आर ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब डैश डैश डैश, क्लियर है? अगर इसे करते हम अप टू एन टर्म्स तो आपके एस एन का जो फॉर्मूला आता है वो ए आर की पावर एन माइनस वन आर माइनस वन, कब? इफ आर इज ग्रेटर देन वन। और एस एन ए वन माइनस आर की पावर एन वन माइनस आर इफ आर इज लेस देन वन। ये पढ़े हैं एन के लिए, जब नंबर ऑफ टर्म्स एन है मेरी। सोचिए नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो जाए तो, अगर नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो गई तो कितना होगा? ये आपका ए ए आर ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब अप टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, पता है ना, अप टू इन्फिनिटी, कोई एंड ही नहीं है। तो सोचिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए सबसे पहले, अगर वन से छोटी क्वांटिटी जीरो टू वन के बीच में कोई भी नंबर आप लेते हो, मैंने मान लिया वन बाय फोर ले लिया, ठीक है, इसकी पावर वन करो कितना आएगा, वन बाय फोर की पावर टू करो कितना आएगा, वन बाय फोर की पावर थ्री करो कितना आएगा, ये बड़े होते जा रहे हैं छोटे होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे छोटे, एक बाय फोर की पावर कितना आएगा, किसके नजदीक इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका और भी कम, इसका और भी कम, और इसका 0.00 कुछ, और भी 0.00 कुछ, यस और नो, आएगा नहीं आएगा, आएगा। इस तरह से 1/4 की पावर इन्फिनिटी कर दी जाए तो अप्रोक्सीमेट वो किसी के किसके इक्वल आ जाएगा, यस और नो, खुद सोचो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कंफर्म है ना ये बात? इसलिए जब भी इनफाइनाइट सीरीज में आपका आर वन से कम होगा, अगर आर क्या होगा आपका वन से कम होगा, ठीक, तो सीन क्या रहेगा, सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन ए वन माइनस आर की पावर इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी है, वन माइनस आर, देखिए जीरो से वन, वन से कम क्वांटिटी है आपकी, समझ रहे हैं, वन से कम है और उसकी पावर क्या कर रहे हो आप, इन्फिनिटी कर रहे हो उसकी पावर, समझ रहे हो? तो वो ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल चला जाएगा, वन से कम है और इसकी इन्फिनिटी करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट
ये जीरो से वन के बीच में ले लो चाहे, ये मत सोचना कि नेगेटिव में भाग जाएगा। वन माइनस कितना हो जाएगा बोलो, जीरो नीचे कितना है, वन माइनस आर, तो एस इन्फिनिटी आपका क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाय वन माइनस आर। देखिए समझ आया या नहीं आया, पहले इस केस को देख लीजिए अच्छे से। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ आ गया? ठीक है, और ये इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला ये है आर वन और माइनस वन के बीच में होना चाहिए, ये लगा लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। एक कब है, जब आर की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में है, दोनों ही केस में है, आर की पावर इन्फिनिटी करोगे तो वो अप्रोक्सीमेट जीरो के इक्वल हो जाएगा, ये देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा तो फिर वो इन्फिनिटी भागेगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। क्योंकि दूसरा ही केस अगर मैं लेके दिखाऊं आपको, अगर फोर की पावर लेता मैं, सोचो आर वन से बड़ा है, आर वन से बड़ा है, उस केस में क्या होगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। अब ये देखो, अगर आर आपका वन से बड़ा है तो एस इन्फिनिटी क्या बनेगा, ए आर की पावर इन्फिनिटी माइनस वन आर माइनस वन। भाई आर वन से बड़ा नंबर की पावर खूब कर दोगे तो ये खुद एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इट मीन्स ये खुद ही क्या हो गया, इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर, समझ रहे हैं? तो ये खुद ही इन्फिनिटी हो गया, तो उसका तो इन्फिनिटी का क्या रहेगा, इन्फिनिटी, समझ रहे हो? उसमें तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, इन्फिनिटी जाएगा कोई बहुत बड़ा नंबर, पता ही नहीं कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, बट यहां कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नाइन पॉइंट फोर में कुछ क्वेश्चंस हैं, छह क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट, वन वन बाय थ्री वन बाय नाइन डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, सम निकालना है। ए कितना है भाई, वन, आर कितना है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, आर वन से कम है तो ए बाय, ए कितना, वन, वन माइनस वन बाय थ्री कितना आ गया, थ्री एलसीएम थ्री बाय टू क्या हो गया, 1.5, वो तो पॉइंट में लिख दे, यस और नो, सेकंड करो, सिक्स 1.2 0.24 डैश डैश डैश, ये भी अप टू इन्फिनिटी है, कॉमन डिफरेंस बताओ इसका, रेशो सॉरी, आर क्या आएगी, ए टू बाय ए वन, ट्वेल्व बाय सिक्सटी, वन बाय फाइव, तो एस इन्फिनिटी क्या होगा, ए ए बाय वन माइनस आर, सिक्स वन माइनस वन बाय फाइव कितना हो जाएगा, सिक्स इंटू फाइव एल फोर, टू थ्री जा टू टू जा 15/2 7.5, यस और नो, थर्ड करना, थर्ड कितना है, फाइव 20/7 80/49 डैश डैश डैश, ए तो फाइव है, आर कितना है, ए टू बाय ए वन 20/7 और डिवाइड बाय फाइव 4/7, एस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा,
ए बाय वन माइनस आर, ए कितना है 5, वन माइनस 4 बाय 7, तो 5, 7 ऊपर मल्टीप्लाई, 7 माइनस 4 3, 35 बाय 3। नेक्स्ट माइनस 3 बाय 4, 3 बाय 16, 3 बाय 64 अप टू इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी, ए बाय 1 माइनस आर, आर कितना आएगा, ए टू डिवाइड बाय ए वन करोगे तो माइनस 3 ऊपर 4 चला जाएगा, 3 से 3 4, 4 जा माइनस 1 बाय 4 कितना आएगा आर, ए कितना है माइनस 3 बाय 4, 1 माइनस माइनस 1 बाय 4 1 बाय 4, माइनस 3 बाय 4 4 बाय 5 रेसिप्रोकल हो गए, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया माइनस 3 बाय 5। यस और नो, बुक का है क्यों रब कर दूं, मुश्किल तो नहीं लग रहा ये तो बस लास्ट दो क्वेश्चन और रह गए। देखिए कौन सा है फिफ्थ, क्या कह रहा है फिफ्थ में, क्या प्रूफ करना है, थ्री की पावर 1 बाय 2, थ्री की पावर अप टू इन्फिनिटी चलता जाएगा, थ्री पुट करना है, प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, थ्री की पावर 1 बाय 2, 1 बाय 4, 1 बाय डैश डैश डैश, बेस सेम है पावर है, 3 की पावर 1 बाय 2, 1 बाय 4, 1 बाय 8 अप टू इन्फिनिटी, ऊपर 3 की पावर में जीपी की इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या फॉर्मूला होगा, ए पावर में ए कितना है 1 बाय 2, 1 माइनस आर, आर कितना है 1 बाय 2, आर कितना है 1 बाय 2, 3 की पावर में 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 2, 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कैंसिल, विच इज इक्वल्स टू, यस और नो, ऊपर जीपी की इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला लग गया, समझ आया नहीं आया, क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, एक्स है आपके पास 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर डैश डैश डैश, और वाई 1 प्लस बी स्क्वायर डैश डैश डैश, एक्स ये ए और बी दोनों माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहे हैं, ये इसने गिवन है, देखो उनका मोड गिवन है, इसका मतलब दोनों वन और माइनस वन के बीच में, यानी वन से छोटे हैं, हमें ये प्रूफ करना है 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डैश 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 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स प्लस वाई माइनस वन, ठीक है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, ये इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला, आंसर आएगा दिस इंप्लाइज एक्स किसके इक्वल हो जाएगा ए, यानी 1 बाय 1 माइनस आर,
ये भी जीपी की इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला, वन बाय वन माइनस, मतलब ए बाय वन माइनस आर जो कि बी, यस और नो? ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लो, वन प्लस ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर डैश डैश डैश, इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला ए बाय वन माइनस आर, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला ए बाय वन माइनस आर, क्लियर है? नेक्स्ट, क्योंकि ए बी भी आपका, अगर ए बी ए आपका यहाँ पे ना माइनस वन से वन के बीच में है, बी भी आपका माइनस वन से वन के बीच में है, तो ए बी का प्रोडक्ट भी माइनस वन से वन के बीच में ही मिलेगा, दैट्स वाई ये फॉर्मूला लगा है। भाई वन से छोटी दो चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? वन से छोटा ही आएगा, करके देख लो, वन बाय फोर इंटू वन बाय फाइव, वन बाय ट्वेंटी, समझ रहे हैं? इसकी राइट हैंड साइड क्या है? एक्स वाई, एक्स प्लस वाई माइनस वन, एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, एक्स क्या है? वन बाय वन माइनस ए इंटू वन बाय वन माइनस बी डिवाइड बाय एक्स, वन बाय वन माइनस ए प्लस वन बाय वन माइनस बी माइनस वन। देखिए नीचे एलसीएम लेंगे, अभी कैंसिल मत करना, अभी नहीं होगा। वन माइनस ए वन माइनस बी, ये तो ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर में एलसीएम जाएगा, वन माइनस ए वन माइनस बी, वन माइनस ए से गया तो ऊपर आएगा वन माइनस बी, वन माइनस बी से गया तो ऊपर आएगा, और माइनस वन के साथ ये दोनों ही मल्टीप्लाई में, वन माइनस ए वन माइनस बी, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर ये तो कैंसिल हो गया। अब आंसर क्या आएगा? वन बाय, देखिए वन और वन, टू माइनस बी माइनस ए, इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगी? माइनस, अंदर पहले वन माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी, क्लियर है? समझ आया? अंदर मल्टीप्लिकेशन। अब क्या आएगा देखना, वन बाय में टू माइनस बी माइनस ए माइनस वन ना, हाँ माइनस वन, प्लस बी प्लस ए माइनस ए बी, ए और बी से ए और बी कैंसिल, वन बाय टू माइनस वन वन माइनस ए बी। लो भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, प्रूव हो गया। ये इक्वल प्रूफ करने थे, यस और नो? क्लियर है? बोलो बच्चों, हो जाएगा? किसी तरह की कोई दिक्कत? चले आगे, आगे क्या हो गया? ये चैप्टर बच्चों आप लोगों का हो गया है। एक चैप्टर बीच में रहता है मेरा, चैप्टर सिक्स लीनियर इनइक्वालिटी, और सिक्स होने के बाद मेरे लगातार नौ तक सारे चैप्टर हो जाएंगे। कल हम सिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, शायद पता नहीं मैंने कभी ये बोल दिया होगा कि सिक्स इस साल कैंसिल हो चुका है, शायद मेरे को याद आ रहा है मैंने ये बात बोली थी, बट वो गलत बोली थी, सिक्स बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हुआ है, इवन सिक्स का कोई टॉपिक भी कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है? सिक्स चैप्टर आपके सिलेबस में है और पूरा का पूरा है, क्लियर है? ठीक है, कुछ नहीं कैंसिल करना, उसमें एक आधा क्वेश्चन है जो एलिमिनेट किया है, लेकिन हम पूरा का पूरा सिक्स चैप्टर करेंगे। कल से क्लास इवनिंग में लगेगी 6 to 7:30, तो जो लाइव आना चाहे लाइव भी आ सकते हैं, और जो रूटीनली क्लास में आना चाहे क्लास में भी आ सकते हैं, इवनिंग में 6 to 7:30, ठीक है? हाँ वो देखते हैं, वो जब स्टार्ट करेंगे, दस मिनट का तो लेना स्टार्ट करें, कल देख लेते हैं एक बार कितने बच्चे आते हैं, उस हिसाब से ऑफलाइन ही होगा वो, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा।